कोटा राजस्थान का वो शहर जहां बच्चे अपना भविष्य संवारने जाते हैं, क्या बिहार, क्या यूपी, क्या झारखंड, लाखों युवा इस शहर में अपनी तकदीर ढूंढते हैं। अब लॉकडाउन में इस शहर में हजारों बच्चे फंसे हैं, बच्चे बिहार के भी हैं और बिहार तो बिहार है। विधायक जी ने बेटी को कोटा से बिहार लाने का जुगाड़ क्या सेट किया, यहाँ तो बवाल हो गया। SDO साहब नप गए, क्या तेजस्वी यादव, क्या मांझी, क्या कुशवाहा, सबके निशाने पर है नीतीश। जिसको जो भाषा सूट करती है वो उसी भाषा में हमलावर है। अब रावड़ी देवी को ही ले लीजिए, मैडम भोजपुरिया में भड़की हुई हैं सीएम साहब पर। अपने भोजपुरिया ट्वीट में पूर्व सीएम रावड़ी देवी ने लिखा है, कहा नीतीश कुमार जी ये कहां के इंसाफ बा, छलनी के दोष सूप के दियाई, यहां गजबे राज चलता। MLA गइलन अपन लड़का के लिए आए कोटा, पास देहलन कलेक्टर के आदेश पर SDO, आज जब लो खुलता गाज गिरल ड्राइवर पर, ई खेला सब बुझता, बा करे जा तो MLA और कलेक्टर के साजा, सब चलती कमजोर लोग पर न चली। राबड़ी की भोजपुरी कैसी है, या फिर आप ये भोजपुरी समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन राबड़ी यादव की भोजपुरी तो नीतीश ही बताएंगे, क्योंकि ये भोजपुरिया हमला उन्हीं पर है। अटैक बहुत आक्रामक है, यह तो साफ दिख रहा है। लब्बो लुआब यह है कि BJP विधायक अनिल सिंह, JDU नेता और कुछ दूसरे VIP लोगों ने लॉकडाउन में जो चमत्कार किया है उसने CM नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। हम लोग से बिहार की सियासत तप रही है और यह तपिश तो फिलहाल ठंडी होती नजर नहीं आ रही।